एवरीवन, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अब वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैंने आप सबसे ये कहा था कि वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आएंगी, बट फिर भी 4 दिन का गैप हो गया। वजह ये है कि लैपटॉप मेरा जो है वो ख़राब हो गया है, तो ऐसे में मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने कई लोगों से बात करी बट कहीं बात नहीं बनी। उसके बाद एक भैया ने मेरी हेल्प करी लैपटॉप देने में, और उनकी इस हेल्प लिए मैं उनका नाम तो रिवील नहीं करूंगा, बट उनकी इस बड़ी सी हेल्प के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS ऑफिस वर्ड के बारे में। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली चीज़ ये कि MS ऑफिस वर्ड के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं हम और आप मिलके MS वर्ड की जर्नी की। मतलब आज से सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगी, और MS वर्ड के बारे में एकदम घुस के पढ़ेंगे, घुस के हर एक चीज़ों को डीपली समझेंगे कि MS वर्ड क्या है, कैसे काम करता है। अब MS ऑफिस के बारे में मैंने वीडियो इससे पहले बना रखी हुई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि MS ऑफिस के जितने भी मेंबर सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी पे अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगी, और हम सभी चीज़ों को, चाहे वर्ड की बात कर लो, एक्सेल की बात कर लो, सभी चीज़ों को हम एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। कि दूसरी बात ये कि हम साथ में 3 चीज़ों को लेकर चलेंगे। पहला तो हो गया MS वर्ड, जो कि हम आज से ही शुरू कर रहे हैं, और दूसरा है MS एक्सेल, और तीसरा है HTML। इन 3 टॉपिक्स को हम साथ में कवर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वीक में, यानी कि 1 हफ्ते में आपको इन 3 पर ही वीडियोस देखने को मिलेंगी, और ये फिर आगे बढ़ता जाएगा। मतलब हर दिन वीडियोस, मतलब अल्टरनेटिवली वीडियोस हमेशा आती रहेंगी इन 3 टॉपिक्स को, जब तक ये टॉपिक्स पूरी तरीके से कवर अप नहीं हो जाता है। याद रखिएगा, MS वर्ड है, एक्सेल है एंड HTML है। सो अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, इन सब के बारे में और डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना कर सकें। वेल, बातें बहुत हो गई, अब बात करते हैं MS ऑफिस वर्ड के बारे में। तो MS ऑफिस वर्ड के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि MS ऑफिस वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट एडिटर मतलब कि ऐसा कुछ या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सके। टेक्स्ट का मतलब हम जो भी चीज़ें अपने सिस्टम में लिखते हैं, उन सभी चीज़ों को एडिट करना, कट करना, पेस्ट करना। अब अगर हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट एडिटर के बारे में, तो यहाँ पे नोटपैड कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं, तो हमें नोटपैड और इवन वर्ड पैड, ये 2 चीज़ें हमको ऑलरेडी सिस्टम में देखने को मिलती हैं जब भी हम कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं, जैसे विंडोज 10, 11। तो अभी क्या है कि नोटपैड और वर्ड पैड, ये दोनों भी एक टेक्स्ट एडिटर ही है, लेकिन ये बहुत सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ केवल आप केवल टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट को मिटा सकते हो, एंड बहुत कुछ यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकते। तो वर्ड पैड थोड़ा सा एडवांस हो जाता है नोट पैड से, लेकिन है दोनों लगभग टेक्स्ट एडिटर ही हैं। वर्ड की बात करें तो MS वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एडवांस फीचर के साथ हमारे पास आता है, देखने को मिलता है, और ये हमें अलग से इंस्टॉल करना होता है। MS ऑफिस का ये मेंबर सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से और सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो MS वर्ड भी एक आपका सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे बोल्ड, इटैलिक कर देना टेक्स्ट को, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के साथ साथ आप वहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, और उनको भी आप एडिट कर सकते हो। इस तरीके से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, फाइंड एंड रिप्लेस, एडवांस टाइप की इंडेक्सिंग, आपके MS वर्ड में फीचर्स ये सब देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमें क्या करना है कि हम आपको एक MS वर्ड का ओवरव्यू देंगे कि MS वर्ड कैसा होता है, कैसा दिखता है, जो भी वहाँ पे चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इतना कुछ यहाँ पे MS वर्ड में देखने को मिलता है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है, और ये हर जगह डेली लाइफ में हमारे यूज़ होता है, बहुत काम आता है। अब जब हमने यूज़ की बात करी है, तो ये भी जान लेते हैं इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर रिज्यूमे बनाना है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन टाइप करना है तो आप एप्लीकेशन ले सकते हो, कोई चीज़ नोट्स बनानी है आप उसको नोट्स बना के PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको PDF में रख के कहीं शेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप मान लीजिए आप HTML पढ़ रहे हैं और आप एक वेबसाइट चाहते हैं बनाना, अगर आपको वेबसाइट बनानी है और आपको वेबसाइट का लेआउट बनाना है, कि मतलब कि मेरी वेबसाइट का ये पेज कैसा दिखना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ तक कि वर्ड में
बना सकते हैं वर्ड के जितने भी टूल्स वगैरह हैं, फीचर्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करके। तो बहुत ही हाईली एडवांस टाइप का टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपको सिंपल जैसे नोटपैड वर्ड पैड वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको वर्ड का एक छोटा सा रिव्यू दिखाता हूँ, रिव्यू क्या ओवरव्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्ड आपको दिखता है और क्या क्या उसे बोलते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और अभी क्या है कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे वर्ड ओपन करने के बहुत से तरीके होते हैं। आप यहाँ पे विंडो की प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन होके आएगा। आप यहाँ पे वर्ड आप यहाँ पे इस तरीके से ढूंढ भी सकते हैं, सर्च नहीं करना चाहते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे वर्ड ऐसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वर्ड सिंपली टाइप कर सकते हैं, वर्ड टाइप करते हैं आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं वर्ड 2016 लिखा हुआ आ रहा है, तो वर्ड 2016 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हमारे जो सिस्टम है हमने इसमें जो इंस्टॉल किया हुआ है वो 2016 वर्जन है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो वर्ड जो है वो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, तो एमएस ऑफिस का वर्जन जो है वो 365 इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ये हमारे पास 16 है, 16 के बाद 19 भी है, 21 भी है, फिर 365 है, लेकिन 16 भी लगभग सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम 16 में अगर काम करते हैं तो फिर भी हम सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे कर पाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ स्टार्ट मेनू पे आप आ गए, यहाँ पे आपने वर्ड सर्च किया और यहाँ पे आपने इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे विंडो आर करना होता है, विंडो आर, क्योंकि हमें रन कमांड खोलना है। रन कमांड की ये शॉर्टकट की होती है विंडो आर। यहाँ पे खोलेंगे तो आपके यहाँ पे नोट पैड लिखा हुआ या कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, आप उसको ऐसे मिटा देंगे। और यहाँ पे आपको लिखना है विन वर्ड। विन वर्ड हमें इसे लिखना है बिकॉज विन वर्ड एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड के लिए एक कीवर्ड असाइन होता है आपके सिस्टम में, कि आप जब भी विन वर्ड आप इसको लिखेंगे तो आप जो है वर्ड एक्सेस कर पाएंगे। अब हालांकि इसको आप चेंज भी कर सकते हो कि अगर मुझे विन वर्ड नहीं लिखना है, मुझे मैं केवल डब्ल्यू से ओपन करना चाहता हूँ, तो ये आपके पास तरीका है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे बना के दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप ये वर्ड का कीवर्ड चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने विन वर्ड लिखा और यहाँ पे आपको करना है ओके, या फिर आप एंटर प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। एंटर किया तो अब वर्ड देखिए ऐसे खुल रहा है और ये आपका वर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। वर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने यही आएगी, ये आपका जो है यहाँ पे जो साइड में आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं एरिया, यहाँ पे आपका रीसेंट डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। ये मैं पहली बार यहाँ पे वर्ड खोल रहा हूँ, दरअसल मैंने सिस्टम लिया था तो यहाँ पे एमएस ऑफिस 2007 था, तो ये बहुत पुराना वर्जन था, तो मैंने कहा कि इस पे तो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि देखो लेटेस्ट चीज़ें सीखने में अलग ही बात होती है। तो फिर कल रात में बैठ के मैंने पूरे सिस्टम को पहले फॉर्मेट किया है और सिस्टम थोड़ा स्लो भी था, तो मैंने कहा कि फॉर्मेट करना एक इसका मात्र इलाज है। तो मैंने फॉर्मेट किया, उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ 10 यहाँ पे डाला, उसके बाद फिर एमएस ऑफिस 16 यहाँ पे इंस्टॉल किया, ताकि आप सबको मैं लेटेस्ट चीज़ें जो है वो समझा सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं एमएस ऑफिस 19 ला सकूँ या 365 ला सकूँ तो मैं उस पर भी आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, इंटरफेस वगैरह चेंज होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपके कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, जैसे एजेंसी लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूमे, ठीक है, न्यूज़लेटर, ब्लॉग पोस्ट, ये कुछ टेम्पलेट, इन सबको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। टेम्पलेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके वर्ड ने, इस सॉफ्टवेयर ने आपको पहले से ही बना के दे दिया है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर आपको कोई एक फॉर्मेट चाहिए, रिज्यूमे बनाना है, आपके पास फॉर्मेट नहीं है, आपको फॉर्मेट चाहिए कि भाई किस फॉर्मेट में रिज्यूमे बनाया, तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अगर जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया तो क्या करेगा, देखिए वो यहाँ पे इसको ओपन कर देगा, ये एक फॉर्मेट हो गया। अब बस यहाँ पे जो भी फील्ड दिया हुआ है, टाइप द डेट, यहाँ पे ईमेल और टाइप योर ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई आ रही हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या, केवल आपको एडिट कर देना है और वो ऑटोमेटिक वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगी, और आप उसको सेव करके पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा। खैर ये तो बात ही टेम्पलेट्स की, कि ऑलरेडी इसमें जो बने होते हैं, हमें अगर फ्रेश काम करना है, हमें अगर फ्रेश डॉक्यूमेंट एक चाहिए, तो हमें क्या करना है, वर्ड को एक बार फिर से क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे डोंट सेव करेंगे बिकॉज हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सेव नहीं करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे विंडो आर करके विन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने पहले ओपन किया, इसीलिए यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आपको ये वर्ड खुल जाएगा। सो वर्ड ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये एक नेविगेशन पेन आ रहा है, फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसका अभी हमें कोई काम नहीं है।
क्लोज किया, तो ये प्रॉपर आपके सामने दिख रहा होगा कि ये आपका एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट को आपको डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे पेज टाइप का दिख रहा होगा कि ये कोई पेज आ रहा है और यहाँ पे ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें लिखना आप शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम आज की वीडियो में इतना डिटेल नहीं समझेंगे, बस एक चीज़ समझेंगे कि भाई की ओवरव्यू कि एमएस वर्ड अभी जो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है ये क्या चीज़ है, इसे क्या क्या बोलते हैं। तो अभी मैं बात करूँ ये कॉर्नर पे, अगर आप ये जो देख रहे हो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सेव है, ये जो है अंडू है, ठीक है, ये ऐसे कुछ जो है क्विक एक्सेस इसको बोलते हैं कि मतलब आप जो है अगर आपको अंडू करना है, आपने जैसे W लिख दिया, अब आपको W जो है इसको हटाना है, आप इसको अंडू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो W आपका वो हट जाएगा, तो क्विकली आप किसी ऑप्शंस को एक्सेस कर सको, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो एक्सेट्रा। यहाँ की बात करें जो आप बीच में देख रहे हो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट वन जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार से आप समझ पा रहे होंगे क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखेगा, जो जिस नाम से आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे वो डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पे दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन आ रहा है। इस तरफ हल्का सा बढ़े तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है कंट्रोल बॉक्स, यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और यहाँ से ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इस वाले टैब से ये चीज़ों को आप यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक, बस आपको क्लिक करना है वो हट जाएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, शो कमांड, ठीक, ऐसे करेंगे देखिए वो हाइड हो गया, फिर वहाँ कर्सर लेके आएंगे तो आपको दिखाई देगा, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके इन टैब्स को और कमांड्स को शो या हाइड करने के लिए होता है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपके यहाँ पे फाइल टैब दिखेगा। फाइल टैब मैं आपको बता दूँ कि फाइल टैब और होम से लेके व्यू ये हिस्सा अलग है और फाइल टैब अलग है। फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस के साथ ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हो, किसी दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने अकाउंट की डिटेल दे सकते हो, और वर्ड में अगर आपको कोई चीज़ सेटिंग करनी है, कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाके उसको चेंज भी कर सकते हो। सारे सेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं फाइल टैब में। फिर बात करें अगर होम टैब से लेके व्यू टैब तक, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिबन, ये बेसिकली रिबन होता है, मतलब कि ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को हम रिबन बोलते हैं। अब उस रिबन के अंदर अलग अलग नाम से टैब दिया हुआ है, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब एक्सेट्रा। बगल में आप आएंगे तो यहाँ पे टेल मी व्हाट डू यू वांट, इसको हम लोग बोलते हैं टेल मी बॉक्स बोलते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सपोज करिए आपको एक फीचर नहीं मिल रहा है फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ मिलेगा, या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है वो कहाँ मिलेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे तो वर्ड आपकी थोड़ी सी यहाँ हेल्प कर देगा कि भाई वो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा और उस पर आप क्लिक करके उसको आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि अब आप देख रहे हो हमने आपको टैब बता दिया, ये सारे टैब है लेआउट टैब। अब अलग अलग टैब के हिसाब से नीचे अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, अलग 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 जो है आपके कमांड दिए हुए हैं। जैसे अगर हम होम टैब की बात करें तो यहाँ पे देखो ग्रुपिंग की गई है, पहली चीज़ तो ये है, ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप का मतलब ये, मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हैं पतली सी, इसके बगल की जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंडर आती हैं, और वहाँ पे क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कमांड आपको दिए हुए हैं और आप उस पर बस क्लिक करेंगे और आपका काम यूँ हो जाएगा। नेक्स्ट फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इस तरीके से स्टाइल ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया, और फिर आप टैब चेंज करेंगे तो आपके ग्रुप्स यहाँ पे चेंज होंगे, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे टैब के हिसाब से ग्रुपिंग की गई है, ग्रुपिंग के हिसाब से वहाँ पे फिर कमांड भी दिया गया है, आपको कौन से कमांड का इस्तेमाल करना है, आपको जिसका भी इस्तेमाल करना है आप सिंपली जाके उसको टैप करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे आएंगे तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। वर्किंग एरिया आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ से आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है आप वहाँ से काम स्टार्ट करोगे, दैट इज़ वाई वो आपका वर्किंग एरिया हो गया। और ये इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया, भाई यहाँ से हमारा पूरा डॉक्यूमेंट हमारा स्टार्ट होता है, हम काम करना शुरू करते हैं। नीचे आप आएंगे तो ये आपका स्टेटस बार होता है, जहाँ पे पेज वन ऑफ वन दिख रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई आपके इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और आप अभी इस समय कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, आपका कर्सर जिस पेज पे रहेगा वो मान लेगा आप उस पेज पे हैं। दूसरा है यहाँ पे कितने वर्ड हैं आपने लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इंटर किया, देखिए इसने बता दिया वन वर्ड लिखा हुआ है।
ये जो ऑप्शन है ये होता है चेक करने के लिए भाई आपके इसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई स्पेलिंग एरर करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो स्पेलिंग वर्ल्ड की डिक्शनरी से बाहर है, वर्ल्ड की डिक्शनरी में वो स्पेलिंग नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे वो एक रेड अंडरलाइन कर देगा भाई कि ये स्पेलिंग गलत है, आप उसको चेक करिए। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं सिंगल एरर भी है तो यहाँ पे वो, अभी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हल्का सा से राइट का सिंबल होगा, लेकिन जब कोई एरर होगा तो वहाँ पे से क्रॉस का सिंबल हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिखाता है कि कौन सी लैंग्वेज में आपका ये वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी क्या है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। हल्का सा आप और इस तरफ राइट साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये आपका अलग अलग जो है मोड है, अलग अलग व्यूज़ है आपके डॉक्यूमेंट की। जैसे आपको केवल इसमें पढ़ना है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अब आपको उस डॉक्यूमेंट को ओपन किया है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको कोई भी एडिट नहीं करना है, आपको केवल डॉक्यूमेंट को रीड करना है। तो उसके लिए रीडिंग मोड दिया हुआ है, आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे तो रीड मोड में चला जाएगा, फिर कोई भी आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, आपकी कीबोर्ड की सारी कीज़ वगैरह डिसेबल हो जाएगी, केवल आप जो है यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो भाई कौन कौन सा हमारा पेजेस है। अगर यहाँ पे 10 पेजेस होते तो आप यहाँ पे एरो की हेल्प से या माउस की हेल्प से आप वहाँ पे पेजेस को आप चेंज कर पाते हैं आप, लेकिन आप कोई एडिटिंग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे रीडिंग मोड में। ये आपका प्रिंट लेआउट है, ये प्रिंट लेआउट में ही आप सारी एडिटिंग करेंगे। वर्ड में जो प्रिंट लेआउट होता है उसी में आपकी सारी की सारी एडिटिंग होगी, जो भी आपको चेंजेस करने हैं सब प्रिंट लेआउट पे होगा। फिर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना है तो आप उसके लिए वेब लेआउट का भी इस्तेमाल वर्ड में कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेब लेआउट दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक वेब पेज जैसा बन गया। तो आप यहाँ पे क्रिएट, ये यहाँ पे भी आप सारी एडिटिंग कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे बना सकते हो कि मेरी जो वेबसाइट है उसका पेज जो होगा वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा यूज़र को। तो यहाँ पे आप वेब लेआउट में ये चीज़ें बना सकते हो। बगल में हल्का सा आप आओगे तो यहाँ पे आपको जूम स्लाइडर दिखेगा, जहाँ से आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को जो भी कंटेंट आप देख पा रहे हैं आप वहाँ से जूम करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो जूम इन होगा, और अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइडर। तो ये है पूरा वर्ड का ओवरव्यू। स्क्रीन पे आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और इस अब आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको सीखना चाहते हैं आप तो रेगुलर आप वीडियोस को देखिए, क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कि ये और YouTube पे और जगह ये अवेलेबल है, वर्ड क्या होता है नॉर्मल सी चीज़ें सभी को आता होगा, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जिस पे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी तो समझना ज़रूरी है ना। हम उन चीज़ों को अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम उस चीज़ को 90% सीख लें। तो मैं यहाँ पे आपको छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं, जो माइनर चीज़ें, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो यार हटाओ क्या हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं वो सब भी मैं आपको अपनी सारी वीडियोस में बताऊंगा। तभी तो बोल रहा हूँ कि मैं घुस के पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला मैं नहीं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इससे आपके पास, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ। वीडियोस मिस होंगी तो आपके टॉपिक मिस होंगे, आपके कंटेंट मिस होंगे, फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। एक वीडियो देखा फिर एक मिस हो गया, फिर अगली वीडियो देखा तो आपके फिर वो पल्ले नहीं पड़ने वाले। इसीलिए रेगुलरली वीडियोस में लेके आऊँगा और रेगुलर आपको देखना भी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी, और अभी तो कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।